एवरीवन, इस वीडियो में मैं सितंबर 2021 के CS1 पेपर ए के सॉल्यूशंस को कवर कर रहा हूं। ये सॉल्यूशंस का पर्पस है, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपका जो अटेम्प्ट था, आपने जो पेपर अटेम्प्ट करा है वो कितना अच्छा था, और आप एक आइडिया ले सको इस बारे में कि क्या चांसेस है कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको लगता है आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पेपर क्लियर नहीं हो सकता है, तो यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग योर CS1 पेपर, ताकि आप आगे बेटर तरीके से तैयारी कर सके। सो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में कहता है, एक रैंडम सैंपल ऑफ साइज 15 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन क्या है आपका 19 और वेरियंस क्या है आपका 2। यानी हम एक सैंपल उठा रहे हैं ऐसी पॉपुलेशन में से जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नॉर्मल फॉलो करती है, मीन उसका 19 है, वेरियंस क्या है उसका आपका 2 है। राइट डाउन दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर। हमें क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर लिखना है। सो इफ यू रिमेंबर, हमने रिजल्ट ये पढ़ा था कि अगर एक्स फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, कि मेरी पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आई कैन से कि एन माइनस वन एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, दिस क्वांटिटी विल फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आपके केस में आपको पता है कि म्यू आपका 19 है, सिग्मा स्क्वायर आपका क्या है 2 है, तो आप बोल सकते हो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिख पाओगे। सैंपल का साइज आपने 15 लिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि हमारा 14 एस स्क्वायर बाय 2, या फिर क्या बोल सकते हो आप, 7 एस स्क्वायर दैट विल फॉलो काई स्क्वायर 14 डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आंसर आपके फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा। फिर कहता है, एक्सप्लेन व्हाई योर आंसर इन पार्ट 1 इज वैलिड फॉर दिस रैंडम सैंपल। अगेन उसका रीजन मैंने आपको क्या दिया, ये वैलिड सिर्फ इसलिए है बिकॉज माई सैंपल कम्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। कौन से पॉपुलेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है पॉपुलेशन। सिर्फ इस लॉजिक से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया है ये क्या फॉलो करता है, हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो दिस वॉज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं इसमें तीन में से कहीं पे भी मार्क्स लूज करने का स्कोप आपके पास कहीं है। आप मैक्सिमम लोगों के इसके मेरे हिसाब से फुल स्कोर इसमें करना चाहिए। देन कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन आप बोल सकते हो, बिकॉज ऐसा कोई क्वेश्चन पास्ट में सिमुलेशन के ऊपर नहीं देखा गया। अब ये क्वेश्चन तब आसान बन जाता है कि अगर मुझे रिलेशन सारे याद रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में। तो क्वेश्चन कहता है, अ स्टैटिस्टिशियन वांट टू सिमुलेट वैल्यूज फ्रॉम सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड हैज अवेलेबल ओनली अ रैंडम नंबर जनरेटर दैट यील्ड्स इंडिपेंडेंट सैंपल फ्रॉम अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास जो जनरेटर है वो आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल क्वांटिटी तो जनरेट करके दे देता है, उसको यूज करके मुझे क्या करना है, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के नंबर जनरेट करने हैं। अपने को ये पता है कि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या होती है, U01 नंबर। कि अगर मुझे U01 नंबर मिल जाए तो उससे मैं किसी भी फर्दर क्वांटिटी का नंबर जनरेट कर सकता हूं। तो इसको एक स्टेप अगर पीछे जाऊं तो मतलब कोई U01 नंबर रहा होगा जिसके बेसिस पर कोई एल्गोरिदम लिखी गई होगी जहां से हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल के नंबर जनरेट होके मिल चुके हैं। तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट मेरे लिए क्या हो जाती है, यहां पे खत्म हो जाती है कि मुझे U01 की जरूरत नहीं मिल रही पड़ रही है, मुझे डायरेक्टली किसके नंबर मिल गए, मुझे Z के नंबर डायरेक्टली यहां पर मिल गए। अब मुझे करना क्या है, उन Z नंबर्स को यूज करते हुए एक ऐसी एल्गोरिदम डिजाइन करनी है टू सिमुलेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम अ T डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप किससे नंबर जनरेट कर सको, एक T डिस्ट्रीब्यूशन से नंबर जनरेट कर सको विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो अगेन इफ यू रिमेंबर कि अगर मुझे TK का हम डेफिनेशन याद रखें, अगर हम डेफिनेशन याद रखें TK का, तो वो किसके इक्वल होता था, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ काई स्क्वायर के बाय के। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर मुझे T1 से नंबर सिमुलेट करने हैं तो वो क्या होगा, मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ काई स्क्वायर 1/1, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा काई स्क्वायर 1 बोल सकते हैं। तो टू गेट वन नंबर फ्रॉम T1 डिस्ट्रीब्यूशन आई नीड टू नंबर्स, एक नंबर जो किसके लिए काम कर रहा होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए, एंड आई नीड अनदर नंबर जो किसके लिए काम कर रहा होगा, मेरा काई स्क्वायर 1 के लिए काम कर रहा होगा। तो जो मेरा रैंडम नंबर जनरेटर है वहां से स्टैंडर्ड नॉर्मल का नंबर तो मुझे डायरेक्टली मिल ही जाता है भाई, दिस आई गेट डायरेक्टली। एंड टू गेट काई स्क्वायर 1 का नंबर आई नीड अनदर रिजल्ट। अगर आपको याद हो तो हम ये रिजल्ट भी पढ़ते थे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू काई स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू काई स्क्वायर 1। हमारी जो एल्गोरिथम अब लिखी जाएगी वो हम कुछ ऐसी लिख सकते हैं कि हमारा जो स्टेप 1 होगा वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 2 स्टैंडर्ड नॉर्मल के नंबर चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, जनरेट टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट्स, से x एंड y आप बोल लो उनको, उनका नाम हमने क्या दे दिया, x एंड y।
देन स्टेप टू में मैं क्या कर सकता हूं, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमरेटर है उसका नंबर जनरेट कर सकता हूं, तो वो तो मेरा एक्स का ही काम हो गया कि एक्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम देखें तो हमने क्या बोला, टी वन अगर हमें चाहिए तो न्यूमरेटर में मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल, और डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, काई स्क्वायर वन, और आई कैन से दिस इज एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। तो यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया नंबर सिमुलेट करना पड़ेगा, दैट इज, या फिर कैलकुलेट बोल देते हैं, कैलकुलेट वाई स्क्वायर, कि वो नंबर हमने किसके साथ लिंक कर दिया, काई स्क्वायर के साथ लिंक कर दिया। एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, वी विल जनरेट नंबर फ्रॉम टी वन यूजिंग रिलेशनशिप क्या, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। दिस विल बी योर एल्गोरिदम, कि आपको शुरुआत हमेशा दो नंबर के साथ करनी है, वो दो स्टैंडर्ड नॉर्मल के नंबर्स होंगे, जिसमें से एक नंबर डायरेक्टली आपके न्यूमरेटर का काम कर देगा, डिनोमिनेटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। देन कहते हैं हम आगे कि एक एल्गोरिदम और डिस्क्राइब करो टू सिमुलेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम अ गामा जिसके पैरामीटर क्या है, 3/2 एंड 1/2। कि मुझे अगर गामा 3/2, 1/2 का नंबर सिमुलेट करना है, हम ये जानते हैं कि अगर गामा अल्फा लैम्डा की बात करें, कोई रैंडम वेरिएबल एक्स अगर गामा अल्फा लैम्डा फॉलो करता है, तो 2λx जो होता है वो क्या फॉलो करता है, काई स्क्वायर विद 2α डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये रिलेशन हमें पता है। तो अगर मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है जो गामा फॉलो करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 2λx, दैट इज एक्स ओनली, वो क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये रिलेशन हमारे पास डायरेक्टली क्या होता है, बन के आ जाता है। अब मुझे क्या करना है, एक एल्गोरिदम बनाना है टू सिमुलेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम गामा डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए मेरे, 3/2, 1/2। सो नाउ, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में नंबर किसके मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल के, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में और काई स्क्वायर वन में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, स्टैंडर्ड नॉर्मल वन में और काई स्क्वायर वन में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड फर्दर वी ऑल्सो नो कि अगर x1 कोई क्वांटिटी है जो काई स्क्वायर 1 फॉलो करती है, x2 कोई क्वांटिटी है जो काई स्क्वायर 1 फॉलो करती है, एंड x3 कोई क्वांटिटी है जो काई स्क्वायर 1 फॉलो करती है, और ये तीनों क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट है, तो इन तीनों का जो सम है वो क्या फॉलो करेगा आपके लिए, काई स्क्वायर विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये रिलेशन अपने को याद रखना पड़ेगा, यानी मुझे काई स्क्वायर 1 के कितने नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, 3 नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा स्टेप 1 यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, जनरेट 3 रैंडम वेरिएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, उनका नाम हम x1, x2 एंड x3 रख देते हैं। स्टेप 2 में हमने लाके क्या किया, उनका स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया कि x1 का भी स्क्वायर कर दो, x2 का भी स्क्वायर कर दो और x3 का भी स्क्वायर कर दो। एंड स्टेप 3 में आके हम क्या कर दें, अब हमें क्वांटिटी से y बना दें विच इज सम ऑफ दीज 3 नंबर्स, एंड ये क्वांटिटी जो y होगी ये क्या फॉलो कर रही होगी, काई स्क्वायर 3, या फिर ये बोले कि ये क्वांटिटी क्या फॉलो कर रही होगी, गामा 3/2, 1/2 डिस्ट्रीब्यूशन। समझना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिर्फ ट्रिकी इसीलिए कि रिजल्ट्स आपको याद है या फिर नहीं है, एंड हमें U01 नंबर्स ना देके डायरेक्टली स्टैंडर्ड नॉर्मल नंबर्स के बेसिस पे ही क्या करना था, सिमुलेशन करना था। देन थर्ड पार्ट में कहता है कि डिस्क्राइब एन एल्गोरिदम टू सिमुलेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम एन F डिस्ट्रीब्यूशन विद 1, 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब F की डेफिनेशन पे चलते हैं। इफ यू रिमेंबर कि अगर हम m, n की जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे वो क्या थी, काई स्क्वायर m/m डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर n/n, यानी अगर मुझे f(1, 1) चाहिए तो दैट इज काई स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर 1, ये मेरा रिजल्ट बनना चाहिए। काई स्क्वायर 1 कैसे बनेगा वो हमको समझ में आ चुका है। आप समझो कि आपको कितने स्टैंडर्ड नॉर्मल नंबर्स की जरूरत है, तो अगेन यू नीड 2 स्टैंडर्ड नॉर्मल नंबर्स, से एक को हम x बोल देते हैं, एक को y बोल देते हैं। x का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या फॉलो कर रहा होगा, काई स्क्वायर 1, और y का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या फॉलो कर रहा होगा, काई स्क्वायर 1। एंड इफ इट डिवाइड दीज टू नंबर्स आई विल गेट अ नंबर फ्रॉम f(1, 1) डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे इस बेसिस पर आप क्या कर सकते थे, अपने एल्गोरिदम डिफाइन कर सकते थे। देन नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहता है रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज अ डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस एंड वेरियंस दिस। ये क्वांटिटीज आपको दे दी गई हैं, ए और बी की वैल्यू भी आपको दे दी गई है। कह रहा है वाई इज अ रैंडम वेरिएबल सच दैट ई ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स इज दिस, एंड वेरियंस भी आपको दिया गया है। आपको अनकंडीशनल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई निकालना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हुए हैं क्लास के अंदर,
अगर मैं बोलूं कि मुझे वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए, तो दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस वाई गिवन एक्स प्लस में वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन वाई गिवन एक्स. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट. हमें समझना है ये चीज. तो वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स, ध्यान से देखना, मैं रैंडम वेरिएबल लिखूंगा करस्पॉन्डिंगली, नॉट द वैल्यू. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, प्लस में वेरिएंस ऑफ 3x प्लस 6 आ जाएगा. या फिर इसको आप लिख सकते हो e ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x. ये आपका नंबर, ये बेसिकली आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा. नाउ आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, जो अगर आप रखते हो, अच्छा इसको भी चाहो तो आप और लिख लो सिंप्लीफाई करके. अगर आप चाहो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं ना भैया, कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. तो वी कैन राइट यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स. आप सारी वैल्यूज को रिप्लेस करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो. दिस शुड बी, मैं अभी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, आप रिप्लेस करके ई एक्स वी एक्स निकाल लेना, इस बेसिस पर आप अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर पाओगे. और हाँ, ये आपका वेरिएंस ऑफ वाई का आंसर आएगा, मेक श्योर आप उसका अंडर रूट लें, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. तो अगेन ये सीधे सीधे 6 मार्क्स थे, इसमें मुझे नहीं लगता कहीं अगेन किसी का कोई एक भी नंबर कटा होगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं द नंबर ऑफ पिज्जाज ऑर्डर्ड इन अ रेस्टोरेंट ईच डे फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन मीन एम. द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम फॉलोज अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 35 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 5. The restaurant receives 135 pizza orders over 7 days. यानी हमारे पास 7 दिन का एक तरह से डेटा दिया गया है और उसका टोटल वैल्यू क्या आ रही है वहां पे 135 आ रही है. कहता राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ m लीविंग आउट एनी कोफिशियंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो हमें प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन गामा दिया हुआ है, हमें यह पता है कि m जो है वो फॉलो करता है हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन और उसके पैरामीटर्स हमें दिए 30, मीन और वेरिएंस दे रहे हैं. तो मीन हमारा 35 है. तो अगर मैं बोलता हूँ कि इसके पैरामीटर्स अल्फा एंड लैम्डा है, तो अल्फा बाय लैम्डा की वैल्यू हमें 35 दे रखी है एंड अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमें 25 दे रखी है. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 35 बाय लैम्डा जो है वो हमें कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, या लैम्डा की वैल्यू हमारी 35 बाय 25 आ जाएगी. और इसके बेसिस पर आप अपने अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो. अल्फा इज 35 टाइम्स लैम्डा, तो 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ अल्फा. तो अगर हम प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन लिखें, अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो ये बनेगा लैम्डा रेज टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय गामा अल्फा, एम रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1, ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा. तो डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगा. बट क्वेश्चन ने क्या बोला है, लीविंग आउट एनी कोफिशियंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. यानी हम कॉन्स्टेंट्स को क्या करेंगे, हटा देंगे, और हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1, ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एम. या फिर आप क्या बोल सकते हो कि एफ ऑफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू द पावर, जो भी आपकी वैल्यू निकल के आएगी, इस वैल्यू को आप देख सकते हो, तो यू विल सी कि आपके अल्फा की वैल्यू एक्चुअली जो आएगी वो 49 आएगी. तो आप क्या बोल सकते हो, एम रेज टू द पावर 48. और सिमिलरली अगर आप लैम्डा निकालते हो तो वो 35 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 1.4 आता है लैम्डा. तो e रेज टू द पावर माइनस 1.4 m, दिस विल बी योर आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट में कहता है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव द करेक्ट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ m. तो क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो आप वर्किंग रफ में कर सकते थे अपनी, और आप यहां पे डायरेक्टली आंसर अपना दिखाओगे. अगर आपको रिजल्ट याद हो कि भाई हम पॉइजन, जब हम ये बोलते थे कि एक्स गिवन लैम्डा पॉइजन लैम्डा फॉलो करे और लैम्डा अपने आप में क्या फॉलो करे, गामा फॉलो करे, तो क्या हमारा पोस्टीरियर बनता था. अगर वो रिजल्ट भी आपको याद हो तो डायरेक्टली उस रिजल्ट के थ्रू भी आप आंसर यहाँ पे लिख सकते थे और अपना टाइम बचा सकते थे. अभी मैं फटाफट से कर दे रहा हूँ क्वेश्चन. अपने को यहाँ पे पोस्टीरियर सॉरी प्रायर हमने निकाल ही लिया है. अगर हम लाइकलीहुड की अब बात करें तो हमारे केस में एक्स गिवन एम जो है वो फॉलो कर रहा था पॉइजन एम, और हम जानते हैं जो लाइकलीहुड इसका बनेगा वो बनता है ई रेज टू द पावर माइनस एम टाइम्स एन एम रेज टू द पावर समेशन एक्स आई इनटू कांस्टेंट. इस फॉर्म का क्या बनेगा, हमारा लाइकलीहुड बनता है. एंड देन अगर हम पोस्टीरियर निकालें कि एफ ऑफ एम गिवन एक्स बार अगर हम निकालते हैं तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू द पावर समेशन एक्स आई प्लस 48 एंड ई रेज टू द पावर माइनस का 1.4 प्लस एन
टाइम्स एम। अब एन यहां पे समझना है, एन क्या है? तो मैंने बोला से क्वेश्चन की स्टार्टिंग में वी हैव ऑब्जर्व सेवन वैल्यूज ऑफ एक्स। हमने क्या ऑब्जर्व करा है? एक्स की सेवन वैल्यूज ऑब्जर्व करी है। तो हमारे सैंपल का जो साइज है वहां पे वो क्या है आपका? सेवन है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि एम गिवन एक्स बार जो है वो फॉलो करेगा आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन, और पैरामीटर्स अगर हम निकालें तो दैट इज समेशन एक्स आई प्लस 49 हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस वन माइनस वन करोगे, और दूसरा पैरामीटर आपका 1.4 प्लस एन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि समेशन एक्स आई आपको कितना दिया हुआ है? 135 दिया हुआ है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो पैरामीटर आएंगे वो 135 प्लस 49, एन मैंने 7 बोला तो 7 और 1.4 ऐड करोगे तो 8.4, 135 प्लस 49 और देख लो तो 184 आता है। तो जहां पर गामा के पैरामीटर्स 184.8.4 आते हैं, दैट इज माय करेक्ट ऑप्शन। या फिर आपको तो खैर फॉर्म ही दिया हुआ था, हमें पैरामीटर दिखाना है, तो दिस इज माय करेक्ट फॉर्म। अगर ध्यान से देखें तो ये मेरा करेक्ट वर्जन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। देन थर्ड पार्ट में कहता है कैलकुलेट अ पॉइंट एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ पिज्जाज ऑर्डर्ड ईच डे यूजिंग द बेजियन एस्टिमेटर अंडर ऑल और नथिंग लॉस। क्योंकि कैलकुलेट बोला हुआ है यहां पर, तो आप बोल सकते हो कि यहां पे हमें वर्क नहीं शो करके दिखाना कि क्यों हम ऑल और नथिंग लॉस में मोड को ही लेते हैं, और चाहो तो डायरेक्टली आप मोड का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। तो क्योंकि गामा का मोड अगर आपको याद हो, दैट यूज टू बी अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये आपका मोड होता था अगर आपके गामा के पैरामीटर्स क्या होते थे? अल्फा और लैम्डा। तो हम यहां पर अगर मोड देखेंगे तो आपका आंसर 183 डिवाइडेड बाय 8.4, दिस विल बी योर बेजियन एस्टिमेट अंडर ऑल और नथिंग लॉस। ये आंसर भी अपना आप वेरीफाई कर सकते हो। देन कहता है कैलकुलेट अ पॉइंट एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ पिज्जाज ऑर्डर्ड ईच डे यूजिंग बेजियन एस्टिमेशन अंडर स्क्वेयर्ड एरर लॉस। तो अंडर स्क्वेयर्ड एरर लॉस हम जानते हैं कि हमारा बेजियन एस्टिमेट क्या होता है? मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन यहां पर क्या बनेगा आपका? अल्फा बाय लैम्डा, दैट इज 184 डिवाइडेड बाय 8.4, दिस विल बी योर आंसर। अगेन ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन था, अगर कहीं आप वर्ड में अटक सकते थे कि ये वर्ड आपको नया दिखाई दिया होगा कोफिशियंट और प्रोपोर्शनलिटी, अदरवाइज इसमें भी कहीं अटकने का स्कोप नहीं था। 12 नंबर का क्वेश्चन आपका ये था पूरा पूरा। देन कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट अ क्लेम इज मेड ऑन अ कार इंश्योरेंस पॉलिसी इन अ पर्टिकुलर ईयर इज 0.06। द पॉलिसीज आर अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट अमंग देम, 500 ऑफ दीज पॉलिसीज आर सिलेक्टेड रैंडम। सारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट और हमने 500 पॉलिसीज को क्या कर रखा है यहाँ पे? सिलेक्ट कर रखा है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 40 ऑफ दीज पॉलिसीज विल रिजल्ट इन अ क्लेम ड्यूरिंग द ईयर स्टेटिंग एनी अप्रोक्सीमेशन दैट यू मेक। हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम इसका ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगर हम एक्स यहाँ पे डिफाइन करें तो नंबर ऑफ पॉलिसीज क्या है मेरी? 500, और उसमें से हम क्या बोल रहे हैं किसी एक साल में वो क्लेम करेंगी। मान लो क्लेम करने को मैं सक्सेस मानू तो बोल सकता हूं बाइनोमियल 500.06, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एक्स यहां पर क्या डिफाइंड होगा आपका? नंबर ऑफ क्लेम्स या नंबर ऑफ पॉलिसीज जो क्लेम कर रही हैं, आप ये बोल सकते हो। और मुझे क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी मुझे प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि नंबर ऑफ पॉलिसीज जो क्लेम करेंगी वो 40 या 40 से कम होनी चाहिए। तो क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि n यहां बहुत बड़ा है, p यहां पर बहुत छोटा है, सो वी कैन टेक हेल्प ऑफ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। तो हम किस कौन सा स्टेटिंग एनी अप्रोक्सीमेशन दैट यू मेक, तो आप बता सकते हो कि हम जो अप्रोक्सीमेशन यहां पे यूज कर रहे हैं दैट इज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। और क्यों हम उस अप्रोक्सीमेशन को यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि मेरा n बहुत बड़ा है, p पैरामीटर क्या है मेरा बहुत छोटा, तो मैं इजिली क्या कर सकता हूं, इसे नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल सकता हूं। बट ध्यान क्या रखना है अगेन, क्योंकि मैं बाइनोमियल से नॉर्मल आ रहा हूं, यानी डिस्क्रीट से कहा आ रहा हूं कंटीन्यूअस, तो आई हैव टू मेक यूज ऑफ क्वांटिटी करेक्शन। तो दिस इज सेम एज राइटिंग कि 40 का एरिया कहां से स्टार्ट हो गया होगा? 40.5 से स्टार्ट हो जाता होगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी जो आप इवेल्युएट करोगे। अच्छा, एक्स अगर बाइनोमियल है तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि एक्स अप्रोक्सीमेटली फॉलो करेगा नॉर्मल, और उस नॉर्मल का अगर आप मीन निकालोगे तो दैट इज एन इंटू पी, दैट इज 500 × 0.06, वो आपका 30 आ जाएगा। एंड वेरियंस अगर आप निकालोगे तो एनपीक्यू यानी मीन मल्टीप्लाइड बाय 0.94 एंड दैट विल कम आउट टू बी 28.2। और यहां से अगर आप जेड बनाते हो तो जेड क्या बन जाएगा आपका? एक्स माइनस 30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 28.2, यानी आप बोल पाओगे यहां पर प्रोबेबिलिटी कि जेड
इज लेस देन 40.5 माइनस में 30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 28.2, ये प्रोबेबिलिटी आपको क्या करनी है, इवैल्यूएट करनी है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 1.977 ये आपको इवैल्यूएट करना है। आप चाहो तो आर के हेल्प लेके भी आंसर निकाल सकते थे या इंटरपोलेशन लगा के इस आंसर को इवैल्यूएट आप कर सकते थे। फिर कहता है पास डेटा फ्रॉम द इंश्योरर इंडिकेट दैट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ क्लेम अमाउंट इज 75, जो क्लेम अमाउंट स्टैंडर्ड डिविएशन है, क्लेम अमाउंट की यहाँ पे बात हुई है, दैट इज 75। द इंश्योरर विशेस टू कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन क्लेम अमाउंट विद एन इंटरवल विड्थ ऑफ 10। जो इंटरवल की विड्थ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, या फिर हम क्या बोलें कि हमारा मार्जिन ऑफ एरर क्या होना चाहिए, वो 5 होना चाहिए। ये टोटल विड्थ आप क्या बोल रहे हो, आपकी 10 बोल रहे हो। हमें सैंपल साइज निकाल के देना कि क्या सैंपल का साइज आपको इसमें यूज करना चाहिए। तो क्योंकि ये पास डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन है तो दिस इज सिग्मा इज प्रोवाइडेड, और जब सिग्मा प्रोवाइडेड होता है तो हमारे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्म जो बनता है वो क्या बनता है, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा बाय रूट एन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ 1.96 सिग्मा बाय रूट एन जो निकल के आना चाहिए ये किसके इक्वल आंसर देगा आपको, 10 के इक्वल आंसर देगा। और यहां से सिग्मा आपसे आपको जो स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 75, वो आप यूज कर सकते हो और एन की वैल्यू आप इवैल्यूएट कर पाओगे। अगेन आप अपने आंसर कैलकुलेट करके देख सकते हो जो भी आंसर है। यहां से सिर्फ मैं आपको स्टेप्स बता दे रहा हूं, अगर आपने ये अप्रोच फॉलो करी है और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो आप करेक्ट आंसर तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। तो अगेन 9 नंबर्स का क्वेश्चन, वन ऑफ द अगेन इजी क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंसिडर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन वाई वन वाई टू सो ऑन वाई एन फॉर अ रैंडम वेरिएबल वाई विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये आपको दिया हुआ है। कह रहा है लेट एफ वाई डिनोट द सीडीएफ ऑफ वाई, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव द इनवर्स ऑफ द सीडीएफ ऑफ द वाई। तो अगेन वर्डिंग से नहीं करवाना, ये आप नॉर्मल जो रैंडम नंबर सिमुलेशन में इनवर्स ट्रांसफर मेथड पढ़ते हो उसी का एक स्टेप है कि आपको पीडीएफ दिया है, सीडीएफ आप निकालो, ठीक है, और सीडीएफ को इन्वर्ट करके आपको बेसिकली दिखाना है। आप शायद इस डिस्ट्रीब्यूशन को ना पहचान पाए हो, बट दिस इज अ वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर नहीं पहचान पाए कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वैसे सीडीएफ लिख सकते हो अगर पहचान पाते हैं आप एग्जाम के अंदर। वीबुल ऐसा होता है बेटा कि अगर एक्स फॉलो करता है वीबुल विद पैरामीटर सी एन गामा, तो हम पीडीएफ ये लिखते हैं, सी गामा एक्स रेस टू द पावर गामा माइनस वन ई रेस टू द पावर माइनस सी एक्स रेस टू द पावर गामा, ये आपका आंसर बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास C की जगह तो C ही है, आपका जो Y है वहां पर ये तो बोल सकते हैं कि Y भी विबुल फॉलो कर रहा है, जहां पे C की जगह तो C दिखाई देता है, लेकिन गामा की जगह पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। और इसका अगर आप CDF का फॉर्मूला देखोगे एक्चुअल टेबल में तो इट इज 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस सी एक्स रेस टू द पावर गामा। तो अगर मैं यहाँ पे एफ वाई लिखूं तो दैट इज 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस सी वाई स्क्वायर, नॉट गामा स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। This will be your CDF. मुझे CDF को इन्वर्ट करके दिखाना है, तो CDF को इन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि मुझे यहां से Y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ FY. अगर अभी हम देखें तो FY को हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी हेल्प से, Y की हेल्प से। अब यही काम बस आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो हमने कहा भाई कर सकते हैं, यहां से आप ये लिख सकते हो e raise to the power minus c y का जो स्क्वायर होगा दैट इज 1 माइनस एफ वाई, ये लिखा जा सकता है। मुझे y यहां से बस कैलकुलेट करके देना है, वो कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर लो कि आप ये बोल सकते हो माइनस का सी वाई स्क्वायर इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एफ वाई, ये लिखा जा सकता है। अब y चाहिए तो क्या करोगे, माइनस सी से डिवाइड कर दोगे, तो y स्क्वायर जो आपका आएगा दैट इज लॉग ऑफ 1 माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाय नेगेटिव सी, और y निकालना है तो यहां से स्क्वायर हटा दो और अंडर रूट ऑफ दिस, या पावर में क्या लिख दोगे आप, हाफ लिख दोगे। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑप्शन नंबर C आपको क्या दिखाई देगा कि वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो इस एक्सप्रेशन को क्या करता है, मैच करता है। देन सेकंड पार्ट में कहता है एक्सप्लेन हाउ वैल्यूज ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल कैन बी जनरेटेड यूजिंग द इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड। तो आधा से ज्यादा काम तो हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड का ऑलरेडी कर ही दिया है। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड का पहला स्टेप क्या होता है कि आपको पीडीएफ पता हो या फिर आप सीडीएफ तक पहुंच जाओ। अब क्योंकि मैं सीडीएफ ऑलरेडी निकाल ही चुका हूं तो वो चीज तो मेरी डन है ना। नाउ आई नीड क्या, एक U01 नंबर की मुझे जरूरत पड़ेगी, एंड देन हम क्या करते हैं क्वांटिटी U उठाते हैं जिसको हम सीडीएफ के इक्वेट कर देते हैं,
दिस इज व्हाट वी डू, और फिर वहां से इन्वर्ट करते हैं और किसकी वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू हम निकालते हैं। तो आप सीधा सीधा एल्गोरिदम यहाँ पे लिख सकते हो, जो हम नॉर्मली इन्वर्स ट्रांसफर मेथड का पढ़ते आए हैं कि हमें CDF चाहिए होगा सबसे पहले, वो हमें ऑलरेडी पता ही है यहाँ पर। तो हमारी एल्गोरिदम यहाँ पे शुरू कहां से हो जाएगी कि जनरेट अ U01 नंबर, एंड देन हम उस U01 नंबर को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे CDF के साथ, एंड देन वी विल इन्वर्ट दिस इक्वेशन। और इन्वर्ट करके जो रिजल्ट आएगा वो हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पर कि वो क्या लिखा हुआ है, वो हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि वाई जो आपका निकल के आएगा दैट इज माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस यू आ जाएगा भाई CDF की जगह पे, वही तो हम रिप्लेस करते हैं, डिवाइडेड बाय सी होल रेस टू द पावर हाफ। आप यू की वैल्यू पुट करते चले जाओ, वाई की वैल्यू आपकी निकलती चली जाएगी। देन कहता है आगे, अ गामा प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम्ड फॉर सी विद पैरामीटर ए एंड बी। हमने सी के लिए क्या करा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करा। अगेन आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, किसके लिए, पोस्टीरियर डेंसिटी के लिए। तो प्रायर आपको ऑलरेडी पता ही है भाई, अब मेरा काम क्या हो गया, लाइक्लीहुड बनाना। लाइक्लीहुड अगर मुझे बनाना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि पाई आई गोज फ्रॉम 1 to n, PDF आपको दिया था 2CY e raised to the power minus CY² तो आप यहां पे खाली उन टर्म्स से फोकस करोगे जिसमें C होगा, तो C raised to the power n e raised to the power C समेशन YI² इनटू में कांस्टेंट, ये आपका लाइक्लीहुड लिखा जा सकता है, ठीक है। प्रायर आपका क्या दिया सी का, कि प्रायर फॉलो करता है आपका गामा विद पैरामीटर ए एंड बी, कि सी जो है वो आपका क्या फॉलो कर रहा है, गामा विद पैरामीटर ए कॉमा बी। तो अगर आप प्रायर लिखोगे तो दैट इज कांस्टेंट इनटू सी रेस टू द पावर ए माइनस वन ई रेस टू द पावर माइनस सी इनटू बी, एंड देन अगर आप एफ ऑफ सी गिवन वाई बार इवेल्युएट करते हो तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रेस टू द पावर एन प्लस ए माइनस वन एंड e raised to the power negative of summation YI² plus में b times c। तो this resembles again the form of the gamma distribution, but आपको यही form दे रखा है तो आप यहां से resemble करा सकते हो कि आपका form किसको match कर रहा है। तो c की power होनी चाहिए n plus a minus 1, वो सब a और b में ही आती है खाली, और e की power होनी चाहिए b plus summation YI², तो option b क्या निकल के आएगा, आपका correct निकल के आएगा। Then fourth part में कहता है determine the posterior distribution of parameter C with all relevant parameters। तो distribution आप quote कर ही दोगे यहाँ से कि भाई distribution क्या बन रहा है आपका, gamma बन रहा है, उस gamma के parameter क्या बनेगा आपका, n plus a and summation YI² plus b, these are the two parameters of gamma distribution। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेट xi बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ईच फॉलोइंग एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर b, और अपने को कंसीडर करना रैंडम वेरिएबल y व्हिच इज सम ऑफ ऑल दीज xi। जस्टिफाई y myt द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वेरिएबल y इज गिवन बाय दिस। ये जस्टिफाई करना है आपको, डिराइव करके नहीं दिखाना है, जस्टिफाई आप वर्ड्स में भी कर सकते हो। वर्ड्स में आप ऐसे कर सकते हो कि आपको ये पता है कि y इज सम ऑफ xi एंड सम ऑफ IID एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स। अपने को क्या पता है कि अगर हर xi फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर b और वो IID है, तो उन सब का सम जो है वो क्या फॉलो करेगा, आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके पैरामीटर क्या होंगे, n n b। तो अब इस रिजल्ट को कोट कर सकते हो कि क्योंकि सारे xi क्या है, IID रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो उनका सम क्या फॉलो करेगा, गामा n कॉमा b, उसी सम को आपने y बोला है। एंड गामा का जो MGF होता है वो क्या होता है, लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस t रेस्ट टू द पावर अल्फा, यही होता है। उसी को आप चाहो तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख सकते हो कि b माइनस t बाय b रेस्ट टू द पावर नेगेटिव n, एंड देन आप क्या लिख सकते हो उसे, 1 माइनस t बाय b रेस्ट टू द पावर माइनस n। तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो। मैथमेटिकली जस्टिफाई करना है तो जिस तरीके से हम पूरी डेरिवेशन करते थे कि समेशन xi गामा कैसे बन जाता है, वो आप डेरिवेशन भी करके चाहो तो दिखा सकते हो, पर दो नंबर का तो मैं डेरिवेशन नहीं बोलूंगा। आप इसे वर्ड्स में जस्टिफाई कर सकते हो कि सम ऑफ एक्सपोनेंशियल इज गामा, एंड दिस इज द रीजन कि MYT जो है वो ये निकल के आता है, एंड यहाँ पे यूनिकनेस प्रॉपर्टी भी आ जाती है फिर आपकी। फिर कहता है लेट z बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट द MGF ऑफ z इज MZT।
किसके इक्वल है, वो अंडर रूट ऑफ एम वाई टी के इक्वल है, कि जेड कोई भी रैंडम वेरिएबल है उसका एमजीएफ किसके इक्वल निकल के आता है, जो वाई का एमजीएफ है उसके अंडर रूट के इक्वल निकल के आता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच जेड फॉलोज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। चलो पहले हम देख लेते कि अगर एमजेड टी अंडर रूट ऑफ एम वाई टी के इक्वल आता है, कैलकुलेशन देख लेते कि अगर वो अंडर रूट इसके इक्वल आता है कि मुझे इस क्वांटिटी का पूरे का अंडर रूट लेना है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये बन जाएगा हमारा बी माइनस टी बाई बी, जो भी क्वांटिटी हम लिख रहे थे रेस टू द पावर माइनस का एन बाई टू, ये बन जाएगा। नाउ अगर आप समझते हैं कि कोई मेरे पास रैंडम वेरिएबल से एक्स है जो कि काई स्क्वायर एम फॉलो करता है, तो इफ यू रिमेंबर उसका एमजीएफ जब आप निकालते थे तो वो हाफ ओवर हाफ माइनस टी रेस टू द पावर एम बन एम बाई टू बनता था, सॉरी ये आपका एमजीएफ बनता था, या फिर आप इसे लिख सकते हो हाफ माइनस टी बाय हाफ रेस टू द पावर नेगेटिव एम बाय टू। कि इस फॉर्म का अगर मेरा एमजीएफ बनेगा तो हम बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा मेरा, काई स्क्वायर बनेगा। तो बाकी सब कुछ तो मेरा मैच करता है, बस बी की जगह पे मुझे देखना है कि बी की जगह पर मैं क्या रखूं, कि बी की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि हमें क्या मिल जाए, ये रिजल्ट मिल जाए। तो आप देख सकते हो बी की जगह हाफ रखने से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो वी कैन से कि व्हेन वी पुट बी इज इक्वल टू हाफ, जो क्वांटिटी जेड मेरी बनेगी दैट विल फॉलो काई स्क्वायर विद एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता था नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस इन अ बिग सिटी वाज रिकॉर्डेड ओवर 150 डेज, द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सर्टेन पॉल्यूटेंट वाज आल्सो रिकॉर्डेड, जिसको हम इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि या तो उस पॉल्यूटेंट का लेवल हाई होगा या मीडियम होगा या क्या होगा लो होगा, एंड उसके साथ साथ में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं उस दिन का मीन टेम्परेचर भी हम लोग क्या कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 150 डेज के डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करा गया कि डे वन में टेम्परेचर जो मीन टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया वो 10 डिग्री सेल्सियस था, उसमें जो पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन था वो क्या था आपका लो था, एंड हॉस्पिटल एडमिशंस कितने हुए उस दिन आपके 26 हुए। ऐसे सेकेंड डे पे गए तो मीन टेम्परेचर आपका 8 डेज था, पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन अगेन लो था और हॉस्पिटल में जो एडमिशन हुए दैट इज 37, और ऐसे करते हुए हमारे पास 150 डेज का सारा डेटा इकट्ठा करके दिया गया है। कह रहा है अ जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल इज टू बी फिटेड टू इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंस ऑफ द नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस, यानी इस चीज को मुझे मॉडल करना है। मैं जो मॉडल बना रहा हूं वो किसके लिए बना रहा हूं, द नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस के लिए बना रहा हूं, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन मीन टेम्परेचर एंड द पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन, कि इन दो चीजों के ऊपर मेरा मॉडल क्या होगा बेस्ड होगा। यानी नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन क्या है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज डिपेंडेंट ऑन दीज टू क्वांटिटीज, जिसके बेसिस पे मुझे मॉडल बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट में कहते हैं राइट डाउन अ सूटेबल मॉडल फॉर द नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। अब क्योंकि क्वेश्चन ने ये क्लियर नहीं करा है कि वी हैव टू टेक इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज दैट इज x1 एंड x2, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो चाहो तो आप सिंपल सा लीनियर प्रेडिक्टर अपना लिख सकते हो कि आपका जो लीनियर प्रेडिक्टर होना चाहिए वो क्या है। आपके पास एक क्या है क्वालिटेटिव वेरिएबल है जिसको आप लो मीडियम हाई के बेसिस पे कैटेगराइज करते हो, और एक आपका क्या है क्वांटिटेटिव है। यानी आपका जो लीनियर प्रेडिक्टर होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ द फॉर्म अल्फा आई प्लस बीटा एक्स, जहां पर या इसको x1 ही कर देता हूं, यहाँ पे x1 दिया हुआ है, जहां पे i की वैल्यू या तो लो होगी या मीडियम होगी या फिर क्या होगी आपकी हाई होगी। तो या तो आप ऐसा अपना लीनियर प्रेडिक्टर बना के दिखाओगे, या अगर आपने ये भी आंसर दिया होता, मान लो आप क्या कहते हो हम इंटरेक्शन शो कर रहे हैं किस किस के बीच में, टेम्परेचर और पॉल्यूटेंट कंसेंट्रेशन के बीच में, तो उस केस में जो आपके मॉडल का फॉर्म बनेगा दैट इज अल्फा आई प्लस बीटा आई x1, दिस विल बी द फॉर्म ऑफ लीनियर प्रेडिक्टर। आप दोनों में से कोई भी फॉर्म डिफाइन करो, दोनों को आपका क्या माना जाएगा आंसर आपका करेक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिकली उसने मॉडल मेंशन नहीं करा है। तो चाहे आपने ये आंसर दिया हो चाहे ये आंसर दिया हो, अपार्ट फ्रॉम इलैबोरेशन आप दोगे करके कि मैं जो मॉडल बनाने जा रहा हूं सूटेबल मॉडल उसका लीनियर प्रेडिक्टर ये होना चाहिए। अब अगर पूरे जीएलएम में आए तो हमारा पहला स्टेप क्या होता था कि हमें क्या चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक्सपोनेंशियल फैमिली को बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले अगर अपना डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल एडमिशंस आर फॉलोइंग अराइवल पैटर्न की यहाँ पे बात हो रही है, तो आई कैन से कि वाई जो है यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद योर पैरामीटर क्या म्यू,
सेकेंड स्टेप होता था हमारा क्या, लीनियर प्रेडिक्टर लिखना, वो आप दोनों में से कोई भी डिफाइन करके देख सकते हैं। एंड देन आप तीसरा पार्ट क्या बोलते थे, आपका लिंक फंक्शन आप डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि आपने क्या करा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया है वो पॉइजन लिया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका लिंक फंक्शन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, लॉग म्यू निकल के आता है। एंड एट दी एंड व्हाट वी डू कि हम लिंक फंक्शन को लीनियर प्रेडिक्टर के इक्वेट करके अपना म्यू हैट दैट इज ई टू द पावर ईटा क्या कर सकते हैं, वहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो आप कोई भी मॉडल डिफाइन करो, ईटा आप वहां पे रिप्लेस कर सकते हो, ये पूरा आप डिफाइन करके फर्स्ट पार्ट का आंसर दे सकते थे। देन सेकंड पार्ट में कहता है जस्टिफाई द इंक्लूजन ऑफ द टर्म्स दैट यू हैव यूज्ड इन द लीनियर प्रेडिक्टर इन पार्ट वन, तो उसके यूज को मुझे क्या करना है, बेसिकली जस्टिफाई करना है। अब लीनियर प्रेडिक्टर में हम क्लियरली क्या दिखा सकते हैं, इस वाले का अगर मैं जस्टिफिकेशन दूंगा तो मैं क्या दूंगा कि आई हैव अज्यूम्ड कि मॉडल के अंदर कोई भी इंट्रैक्शन इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है एंड पॉल्यूटेंट कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर एक्टिंग एज अ मेन इफेक्ट, एज अ मेन इफेक्ट वो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि हमने इस फॉर्म में टर्म्स को क्या करा है, उसके अंदर इंक्लूड करा है। अगर आप ये मॉडल बनाते हैं सेकंड वाला, तो अगेन आप बोलेंगे कि वी हैव अज्यूम देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन पॉल्यूटेंट कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड दिस इज द रीजन कि हमारा लीनियर प्रेडिक्टर क्या बना है, इस फॉर्म का बना है। जस्टिफिकेशन करना है अगर मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो भी एक लाइन आप मेंशन कर सकते हो कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस क्या फॉलो करेंगे, अराइवल पैटर्न फॉलो करेंगे, इसलिए द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू फिट द अराइवल पैटर्न इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकॉर्डिंगली वी हैव चोजन अवर कैनोनिकल लेंथ फंक्शन। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में कहता है अ स्टैटिस्टिशियन फिटेड अ जीएलएम ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग समरी, आपको ये पैरामीटर्स की वैल्यू यहां पे दी गई है। Suppose that on a different day the pollutant concentration is high and the mean temperature is 19 degrees Celsius. कि किसी particular day में अगर pollutant concentration high category में होता है और मेरा temperature जो है वो 19 degree Celsius होता है, तो उस उन particular values के हिसाब से मुझे अपना linear predictor लिख के देना है। अब अपने को ना यहाँ पे समझना है कि intercept दिया है, x1 दिया है, x2 medium, x2 high, x1 colon x2 medium high, x1 colon x2 high, इसका meaning क्या है, कि यहाँ पे जो मुझे पैरामीटर्स दिए गए हैं ये कैसे हैं। तो अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से अपना लीनियर प्रेडिक्टर बनाने जाते एक बार, तो अगर स्क्रैच से बनाते ऐसा बोलते कि भाई x1 की जगह पर अल्फा प्लस बीटा x1 आ जाएगा, देन अपना से गामा आई आ जाएगा, प्लस में इंट्रैक्शन के लिए अल्फा प्लस बीटा x1 डॉट गामा आई आ जाएगा, जिसको अगर हम एक्सपैंड करें तो अल्फा प्लस में बीटा x1 प्लस में गामा आई प्लस में अल्फा डॉट गामा आई प्लस में बीटा डॉट गामा आई एक्स वन, इस तरह का मेरा लीनियर प्रेडिक्टर मुझे दिखाई देगा। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो देर इज अ पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी मीडियम एंड देर इज अ पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी हाई, यानी लो को उसने क्या करा होगा, मर्ज करा होगा इंटरसेप्ट के अंदर, एक साथ लेके गया होगा। तो हम अगर यहाँ पे मर्ज करें इसके अकॉर्डिंग अपने लीनियर प्रेडिक्टर में वैल्यूज को, एक मेरे पास अल्फा आ जाएगा सपोज एज इट इज, जो इंटरसेप्ट दिया हुआ है उसको हमने एज इट इज ले लिया, देन ये बीटास दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बीटा एक्स वन लिख देते हैं क्योंकि अलग अलग बीटा दिए हुए, अगर आप देखोगे तो एक बीटा एक्स वन के करस्पॉन्डिंग दिया और ये दो बीटास आपको अलग दिए गए, यानी हम भी इसी फॉर्म को फॉलो करेंगे, तो बीटा एक्स वन प्लस में बीटा डॉट गामा आई एक्स वन, एंड इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मर्ज करके यहाँ पे हम एक गामा आई स्टार बना देते हैं। तो इस तरह का मेरा लीनियर प्रेडिक्टर का फॉर्म आएगा। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ऐसे डे की बात करनी है जब टेम्परेचर क्या हो मेरा 19 हो और आई की कैटेगरी क्या हो मेरी हाई हो, तो मेरा लीनियर प्रेडिक्टर कैसा बनेगा, तो हमने बोला अल्फा एज इट इज रहेगा, बीटा एक्स वन रहेगा, बीटा डॉट गामा हाई टाइम्स एक्स वन आ जाएगा प्लस में गामा हाई स्टार आ जाएगा। अब ये वैल्यूज मेरे को टेबल में कहां दी गई है वो हमें समझना है। इंटरसेप्ट मेरा अल्फा हो गया, अगर इंटरसेप्ट को देखेंगे तो दिस इज माय अल्फा, दिस इज माय बीटा, ये तो क्लियर है। देन x2 मीडियम x2 हाई आपको दिया गया है, x2 मीडियम x2 हाई का मतलब आपके पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यूज आ गई मीडियम और हाई के लिए, यानी गामा आई स्टार, ये गामा मीडियम स्टार हो गया और ये गामा हाई स्टार हो गया, ये मेरा आ गया बीटा डॉट गामा एम, ये आ गया मेरा बीटा डॉट गामा एच। मैं करस्पॉन्डिंग पैरामीटर वैल्यूज को वहां पे अब रिप्लेस कर सकता हूं, तो अल्फा की जगह पे हमें जो वैल्यू दी गई है दैट इज नेगेटिव 0.372, बीटा अपने को दिया गया है 0.09 मल्टीप्लाइड बाय योर एक्स वन दैट इज 19 प्लस में बीटा डॉट गामा एच की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव 0.076, अगेन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 19 प्लस में गामा एच स्टार
दैट इज 0.298। तो ये आपके लीनियर प्रेडिक्टर की वैल्यू आ जाएगी, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपका जो आंसर आएगा दैट इज 0.192, दैट शुड बी योर आंसर जो आपका थर्ड पार्ट का आएगा। देन कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई एस्टीमेट्स फॉर एक्स टू लो एंड एक्स वन एक्स टू लो आर नॉट शोन इन द समरी ऑफ द रिजल्ट अबव। तो आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर्स आए होंगे वो सबको हमने कहां पे मर्ज कर दिया होगा, इंटरसेप्ट के अंदर मर्ज कर दिया होगा, वो मर्ज हुआ होगा वहां पे, एब्जॉर्ब हो गया होगा उसके अंदर, इसलिए वो वहां पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देन कहता है कमेंट ऑन द इंपैक्ट ऑफ द पॉलिटेंट कंसंट्रेशन ऑन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस बेस्ड ऑन द समरी ऑफ रिजल्ट अबव। हमें खाली इंपैक्ट बताना है पॉलिटेंट कंसंट्रेशन का, यानी मीडियम और हाई के बेसिस पे मुझे क्या करना है, बेसिकली कमेंट करना है। अगर सबसे पहले मैं अपने सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स यहां पे देखूं तो मेरे पास सिग्निफिकेंट पैरामीटर ये आता है, ये आता है, ये आता है और ये आता है। हमारे लिए मीडियम सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, ना ही वो इंट्रैक्शन वाले टर्म में मेरे लिए सिग्निफिकेंट पैरामीटर वहां पे निकल के आ रहा है। यानी मैं अपने मॉडल में से क्लियरली क्या कर सकता हूं, मीडियम को चाहूं तो क्या कर सकता हूं, ड्रॉप कर सकता हूं, क्योंकि उसके लिए कोई भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट मेरे मेरे मॉडल के ऊपर वो नहीं डालता है। वहीं पर अगर मैं हाई वाली कैटेगरी देखूं तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट कैटेगरी। अगर हम देखें जहां भी हाई बैठा है दैट इज अ सिग्निफिकेंट कैटेगरी, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हाई प्रेजेंट होगा, अच्छा हाई के प्रेजेंस में और अगर देखें तो यहां पर मेरे को एक पॉजिटिव चीज भी दिखाई दे रही है, यानी इसके प्रेजेंस में मैं क्या बोल सकता हूं कि जब जब मेरा पॉलिटेंट हाई होगा तब तब मेरा लीनियर प्रेडिक्टर विल गिव मी अ हायर वैल्यू। यानी उसके बेसिस पर दी हॉस्पिटल एडमिशंस का जो काउंट होगा वो क्या होगा, बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा होगा। बट अगर उसे टेम्परेचर के साथ में देखें तब वहां पे टर्म क्या हो जाती है, मेरी नेगेटिव हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर और मेरा क्या कहते हैं पॉलिटिक कंसंट्रेशन दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, उस केस में हो सकता है मेरे नंबर ऑफ एडमिशंस क्या हो जाए, काफी गिर जाए। बट अगर टेम्परेचर लो है और मेरा और ये कैटेगरी मेरी हाई जाती है तो उस केस में वी विल बी ऑब्जर्विंग अ हाई नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एन एक्चुअरी एनालिस्ट वर्किंग इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक बिलीव्स दैट अ फर्म्स फर्स्ट ईयर परसेंटेज रिटर्न वाई डिपेंड्स ऑन इट्स रेवेन्यू। यानी वाई हमारा परसेंटेज रिटर्न बता रहा है और एक्स क्या बता रहा है, जो रेवेन्यू फर्म अर्न करती है। द टेबल बिलो प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ एक्स एंड वाई एंड द नेचुरल लॉग रेवेन्यू जेड इन 110 फर्म्स। हमने 110 फर्म्स का डेटा लिया जहां पे हमने क्या करा, एक्स का यानी उनका रेवेन्यू, वाई जो उनका फर्स्ट ईयर का परसेंटेज रिटर्न आता है, एंड जेड जो कि क्या बता रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, उसका डेटा हमने इकट्ठा करा। अब डेटा यहां पर हमारे पास 110 वैल्यूज एक एक नहीं दी गई है, ये मुझे वाई बार दे दिया गया, सिमिलरली ये मेरे को एक्स बार और ये मेरे को जेड बार दे दिया गया, उनकी मीडियन वैल्यूज दे दी गई, उनके सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिए गए, यानी ये मेरा एस वाई है, ये मेरा एस एक्स है और ये मेरा एस जेड है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस तरह से आपको डेटा दिया गया। फिर कहता है द एनालिस्ट डिटरमाइन द कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, और वो कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना निकल के आया, नेगेटिव 0.0175, एंड दैट द लीनियर रिग्रेशन लाइन ऑफ द रिटर्न ऑन द रेवेन्यू इज दिस। यानी अगर मैं एक्स और वाई में एक लीनियर रिलेशन लीनियर रिग्रेशन फिट करता हूं तो मेरे को ए और ए हैट और बी हैट बेसिकली निकाल के देने, दैट इज माय फर्स्ट पार्ट। Identify which one of the following option gives the correct value of the coefficient estimates A hat and B hat. अब यहाँ पे observe क्या करना है, क्योंकि मुझे correlation coefficient negative दिया गया है तो definitely जो trend होना चाहिए वो downwards होना चाहिए, कि there will be a downward trend, यानी जो beta है मेरा वो कभी भी अब positive नहीं आ सकता। अगर आप अपने options देखोगे अब जाके तो option number B आपका सीधा सीधा rule out हो जाता है और option number D आपका सीधा सीधा क्या हो जाता है, rule out हो जाता है। आपका जो ऑप्शन निकल के आ सकता है दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इन्हीं में से कोई ऑप्शन क्या निकलेगा, आपका करेक्ट निकल के आएगा। तो अब मुझे ए और सी में से मैं देखता हूं कि मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या निकले। तो अब अगर मैं ए और सी को थोड़ा सा और एनालाइज करूं तो सबसे पहले सी को देखते हैं। सी के बेसिस पर ए हैट जो आ रहा है वो 748 समथिंग आ रहा है, यानी कि अगर मैं एक्स को यहां पर जीरो रखता हूं तो मेरा जो वाई हैट आएगा दैट इज 748.1227%। यानी इवन इफ यू आर मेकिंग अ रेवेन्यू ऑफ 0 मिलियंस तो आपको जो परसेंटेज रिटर्न फर्स्ट ईयर मिलेगा वो ऑलमोस्ट 750% मिलेगा जाके, जो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है बिकॉज मैक्सिमम रिटर्न जो हमने अर्न करा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम रिटर्न आप अर्न कर रहे हो एज पर दी डेटा दैट इज 4%, एंड वो भी कब, जब आपका रेवेन्यू क्या होता है, बिकॉज आप क्या बोल रहे हो, इनवर्स रिलेशनशिप है कि मिनिमम जब मेरा रेवेन्यू होगा तब मेरा रिटर्न मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्स और वाई में डेफिनेटली देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, ये आप बोल रहे हो। यानी यहां पर क्या देखते हैं कि जब हम क्लोज टू 0.1 मिलियन का रेवेन्यू करते हैं तब भी जाके
जो मेरा मैक्सिमम रिटर्न आता है वो 4% के आसपास आता है। तो ये जो आंसर निकल के आ रहा है ये बहुत ही एब्सर्ड सा आंसर है। आप इसलिए जा सकते हो ऑप्शन ए के साथ कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कि अगर मैं यहां पर जीरो रखता हूं तो जो रिटर्न मेरे पास आती है दैट इज 0.113% का रिटर्न मैं क्या करूंगा, अर्न करूंगा। देन इसके बेसिस पर बी पार्ट में मुझे कहता है कैलकुलेट द फिटेड रिटर्न फॉर अ फर्म विद रेवेन्यू दिस, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूं, 95.55, और मुझे वाई हैट निकाल के देना है। तो ए हैट आपका 0.113 आ गया, बी हैट आपने नेगेटिव 5.506 इंटू 10 to the power -5 बोला मल्टीप्लाइड बाय 95.55। इसके बेसिस पर आप चाहो तो अपना वाई हैट क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, और आप देखोगे आपका जो आंसर आना चाहिए दैट इज 10.77%। देन the analyst estimated the regression using the log z, कि instead of fitting the model with y on x, उसने क्या करा y on z fit करा regression model आपका। अब कहता है कि फिर से अब क्या करो, fitted return निकालो for the firm with revenue 95.55, लेकिन जो model आपको use करना है वो ये use करना है, यानी z की जगह पर आप इस model में क्या replace करोगे, log of 95.55, ये value आप replace कर दो, alpha beta आपको नए निकाल के दिए गए हैं, और आप देखोगे आपका जो रिटर्न आएगा दैट इज 2.77%, दिस विल बी योर आंसर। फिर बी पार्ट में कहता है कमेंट ऑन द रिजल्ट इन पार्ट 2 एंड 1B, वी विल सी कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क निकल के आ रहा है जबकि रिवेन्यू हम एक जैसे ही रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमें यह ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहां पर कि एक्स और वाई में हो सकता है कि बहुत अच्छा लीनियर रिलेशनशिप ना रहा हो, आपको बहुत ही वीक क्या दिखाई दे रहा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दिखाई देता है, जबकि वही वाई और जेड में जो लीनियर रिलेशनशिप निकल के आएगा शायद वो बहुत ज्यादा बेटर निकल के आ रहा हो। एंड दिस इज द रीजन हम बोलेंगे कि ये जो मेरा एस्टीमेट है दैट इज मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू जो 10.77% का हमारा एस्टीमेट निकल के आया है दोनों के बीच में। तो इंस्टेड ऑफ फिटिंग मॉडल वाई ऑन एक्स, इट इज बेटर टू फिट अ मॉडल वाई ऑन जेड, यानी एक्स को यूज करने की बजाय एक्स की लॉग वैल्यूज को यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर मॉडल मेरा बनेगा। फिर कहते हैं कैलकुलेट द सम एस जेड वाई, ये आपको निकाल के देना है। तो आपको एक चीज समझनी है, अगर मैं बीटा निकालता हूं, ये इसको सपोज मैं बीटा बोलता हूं, बीटा हैट, तो आप कैसे निकालोगे बीटा, एस एक्स वाई बोलते हो तो यहां पर क्या बोलोगे, एस जेड वाई डिवाइडेड बाय एस जेड जेड, दिस विल बी योर बीटा हैट। बट टेक्निकली जो आप इवेल्युएट करते हो, बीटा हैट आपको ऑलरेडी 0.09 पता है। एस जेड जेड हम कैसे निकालते हैं, समेशन जेड आई माइनस जेड बार का होल स्क्वायर करके निकालते हैं। तो अपने को ये पता है कि अगर इस क्वांटिटी को मैं एन माइनस वन से डिवाइड कर दूं तो एस जेड जेड नहीं बचेगा, तब तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड का सैंपल वेरियंस आ जाएगा। मैं एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं इस क्वांटिटी को ऐसा लिख रहा हूं तो उस केस में दिस बिकम्स एस स्क्वायर जेड, और मुझे ये पता है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, एस जेड स्क्वायर को एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं, तब जो क्वांटिटी मेरे पास बचेगी दैट इज एस जेड जेड। तो पहले हम उसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो z का जो मुझे वेरिएंस दिया गया है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.698, तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कर लो और उस स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय वैल्यू 109। तो विल सी कि आपका जो एस जेड जेड आ रहा है दैट इज 314.269, दिस विल बी योर आंसर। ये एस जेड जेड का आंसर आया। अब बचा क्या मेरे पास, एस जेड वाई निकालना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं बीटा हैट के साथ, ये जो आंसर मेरा निकल के आया है, अगर मैं इसे बीटा हैट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अपना एस जेड वाई का आंसर मिल जाएगा। इट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.09, तो आपका -28.28। आपका अगर एस जेड वाई निकालोगे तो -28.28 समथिंग, ये आपका एस जेड वाई का आंसर निकल के आएगा। देन थर्ड पार्ट में कहता है परफॉर्म अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट एट 10% सिग्निफिकेंस लेवल टू डिटरमाइन इफ द लॉग रिवेन्यू सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द परसेंटेज। सीधा सीधा मतलब है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या फिर नहीं है, यानी कि टेस्ट ये करो कि बीटा जीरो है वर्सेस बीटा जीरो नहीं है, सिंपली आपको ये टेस्ट करना है। तो आप नॉर्मली बीटा का टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो भाई, अगर बीटा का टेस्ट हम कंडक्ट करें तो ये बोलते हैं ना बीटा हैट माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा हैट स्क्वायर बाय एस एक्स एक्स बोलते हो तो यहां पर एस जेड जेड बोलोगे एंड दिस फॉलोज टी एन माइनस टू। बीटा हैट हमको ऑलरेडी पता ही है नेगेटिव का 0.09 आ जाएगा, माइनस में बीटा की जगह हम जीरो रखेंगे, मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा सिग्मा हैट स्क्वायर भी एक बार,
तो सिग्मा हैट स्क्वायर का फॉर्मूला भी अगर आपको याद हो तो एस वाई वाई माइनस में एस स्क्वायर जेड वाई डिवाइडेड बाय एस जेड जेड होल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू, ये मेरा सिग्मा हैट स्क्वायर का आंसर निकल के आएगा। अब आप देखो ध्यान से, तो आपको क्या नहीं पता, यहाँ पे एस जेड जेड आपने निकाला था, सिमिलरली आप एस वाई वाई भी निकाल सकते थे। जिस टेक्निक से हमने एस जेड जेड पीछे निकाला उसी टेक्निक से आप एस वाई वाई भी कैलकुलेट करोगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको सिग्मा हैट स्क्वायर का आंसर दे दे रहा हूँ अभी, कि आपका जो सिग्मा हैट स्क्वायर निकल के आएगा दैट इज 0.6617, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं रखता हूं तो 0.6617 डिवाइडेड बाय जो हमने एस जेड जेड निकाला था वो 314.27 आया था। आपका ये आंसर देखोगे तो नेगेटिव का 1.96 आपका आंसर निकल के आएगा। अब ये फॉलो करेगा टी एन माइनस टू, टी एन माइनस टू का मतलब अगर आप ग्राफ बनाओगे तो टी 108 पे देखोगे और 10% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो दोनों साइड आप 5-5% एरिया एक्सक्लूड करोगे टी 108 के लिए। तो या तो आप आर के थ्रू ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, वहां पे जाके आप देख लो, अदरवाइज आप ये बोल सकते हो कि टी 108 एट 5% क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा है, दिस विल बी क्लोज टू जेड की वैल्यू जो आती है एट 5% कि स्टैंडर्ड नॉर्मल की 5% वाली वैल्यू आप देख लो, दैट इज 1.6449 एंड दिस इज नेगेटिव 1.6449। आपका टी एस आ रहा है नेगेटिव का 1.96, यानी दिस लाइज इन रिजेक्शन रीजन, यानी वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट के रिजेक्शन का मतलब क्या है यहां पर, कि वाकई बीटा क्या है, सिग्निफिकेंट है एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड सेट। फिर आगे कहता है द एनालिस्ट स्पेक्यूलेटेड दैट द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल फर्म्स विद ग्रेटर रेवेन्यूज विल बी मोर स्टेबल and thus enjoy a larger return. They considered the null hypothesis of no relationship between z and y. यानी उनकी जो null hypothesis है वो ये है कि correlation coefficient between y and z is zero. ये हमें देखना है. करें perform a test at 10% level of significance to determine whether the analyst speculation is correct. अब अपने को h not तो बना दिया, हमें decision लेना है h one क्या बनाया जाए. तो उन्होंने ये बोला companies with greater revenue enjoys a greater return. यानी कि y और z में देर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, इस बात को मुझे क्या करना है, चेक करना है। तो अगर आप बीटा देखते हो z और y के बीच में दैट इज नेगेटिव ऑफ 0.09, इफ यू रिमेंबर द थ्योरी करेक्टली हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, भाई बीटा नेगेटिव है तो रो को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ऐसे केस में आप बोलोगे क्या टेस्ट कैन बी कंडक्टेड, आप सीधा क्या बोल सकते हो कि यहां पे तो रो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा, so there is no sense in conducting this test. इस टेस्ट को कंडक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, यानी इस केस में टेस्ट कांट बी कंडक्टेड। आप क्या बोलोगे सीधा सीधा, देर इज नो पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग दिस टेस्ट, तो टेस्ट कांट बी कंडक्टेड, या फिर हम क्या बोले, देर इज नो सफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट एच नॉट, कि मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं आ रहा है जिसके बेसिस पे मैं एच नॉट को क्या कर पाऊं, रिजेक्ट कर पाऊं। फिर बोला कैलकुलेट द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन जेड एंड वाई, तो यानी मुझे रो निकालना है y और z के बीच में, तो वो हमें पता ही है s, आप क्या बोलोगे भाई, s y z डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ s y y इनटू s z z, सारी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी निकल के आ चुकी हैं, आपको सीधा सीधा आंसर निकालना है तो आपका आंसर नेगेटिव 0.185 निकल के आना चाहिए। फिर कहता है अ क्लाइंट इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ फर्म दैट हैज z इज इक्वल टू 2, z क्या है जिसका 2 है, मुझे निकाल के देना है कैलकुलेट द क्लाइंट्स प्रेडिक्टेड फर्स्ट ईयर परसेंटेज रिटर्न, मुझे वो निकाल के देना है। सीधा सीधा मॉडल में जेड की जगह 2 रखोगे, वाई हैट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो आप देखोगे आपका जो वाई नॉट हैट आएगा दैट इज 25.8%, दिस विल बी योर वाई हैट का आंसर। देन कहते हैं कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल करस्पॉन्डिंग टू द प्रेडिक्टेड परसेंटेज रिटर्न इन पार्ट 6A, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। तो आप क्या करोगे, वाई नॉट हैट के अराउंड क्या बना सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल बना सकते हो आप। तो सिंस दिस इज क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप एस ई वाई नॉट कैप निकालोगे उसके लिए आपको करेक्ट फॉर्मुला यूज करना है, यानी बड़ी हुई वेरियंस वाला फॉर्मुला आपको क्या करना है, यूज करना है, जिसमें एक एडिशनल सिग्मा स्क्वायर मेरा होता था। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, कि फाइनली आपके जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का आंसर निकल के आएगा That will be negative 1.348 से लेकर प्लस का 1.864, दिस विल बी योर आंसर। देन कहता है फर्म इन द डेटा
हैज लॉग जेड, यानी लॉग रेवेन्यू जेड आपको 1.76 दिया है, एंड दी हाइएस्ट फर्स्ट ईयर परसेंटेज इज दिस, कि एक फर्म का डेटा आपको दे, इसमें लॉग जेड रेवेन्यू ये है। कह रहा कमेंट ऑन द रेजिडुअल फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, तो रेजिडुअल निकालना है तो आप क्या करोगे, अपने मॉडल में जेड की जगह पे 1.76 रिप्लेस करोगे और उसके बेसिस पर वाई कैप आप इवेल्युएट करोगे, तो वो 0.438 जो आपको ऊपर अल्फा बीटा जैसे दिया हुआ था, 0.438 एंड नेगेटिव का 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 1.76 ही आपका वाई हैट आएगा, और इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.2796 आता है। अब आपको क्या करना है, रेजिडुअल निकाल के देना है। रेजिडुअल निकालने के लिए भाई हमारा क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या निकल के आई थी, अगर हम वहां पे देखें तो वो 4.333 निकल के आई थी, तो एरर या फिर रेजिडुअल आप बोल सकते हो कि दैट इज 4.333 माइनस का 0.2796, आपका आंसर आएगा नेगेटिव 4. नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा 4.0534। This will be a residual. Correct. Comment on the फिर last part में comment on the observed data for this firm using the part 7A. तो आप क्या देख रहे हो, clearly ये error क्या निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है। बहुत ज्यादा error निकलने का मतलब क्या है कि ये वाली जो particular firm थी, this could be an outlier in the data. ये क्या थी, data में outlier थी, और this could be the possible reason because of inclusion of this term in data. मेरा model का जो fit है That is not a good fit. आप ऐसा रीजन यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली आउटलायर फर्म है और इसकी वजह से मेरा रिग्रेशन मॉडल एक अच्छा आउटपुट निकाल के नहीं दे पा रहा है। लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट, टोटल ईयरली एग्रीगेट क्लेम्स इन अ पर्टिकुलर कंपनी आर मॉडल्ड एज अ रैंडम वेरिएबल एक्स, वेयर एक्स इज अज्यूम्ड टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन मीन म्यू एंड वेरियंस आपको दिया हुआ है। एग्रीगेट क्लेम्स फ्रॉम द लास्ट 5 years आर एज फॉलोज, यानी आपको ये डेटा दे दिया गया है। An analysis basis to estimate the unknown parameter mu. Identify which one of the following is the correct expression of the derivative of the log likelihood function. Log likelihood function का correct derivative कहाँ से निकल के आता है? चल, क्योंकि distribution मेरा normal है, ये मेरा distribution है, और मुझे derivative of log likelihood चाहिए। अपने ये जानते हैं कि log likelihood अगर लिखना है तो उसको directly i going from 1 to n log of fxi भी लिखा जा सकता है। आप चाहो तो directly अपना log likelihood ऐसा लिख दो। तो log apply करने के बाद function का हम उसका क्या करेंगे, sum कर देंगे। log अगर हम apply करते हैं तो negative का 1/2 sigma square xi minus mu का whole square minus में log sigma root 2 pi, ये value आपकी log लेने पर आएगी। समेशन को अगर हम अलग अलग कर दें तो समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू एन नेगेटिव 1/2 सिग्मा स्क्वायर, या इसको हम बाहर ही निकाल लेते हैं, काम करते हैं, दिखने में आसान लगेगा कि समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ये एक टर्म बनेगी माइनस का एन टाइम्स लॉग सिग्मा रूट 2 पाई। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू म्यू पार्शियली, तो म्यू के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव का ट्वाइस ऑफ एक्स आई माइनस में म्यू इनटू में माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव निकल के आएगा। यू कैन सी कि आपका नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस बन जाएगा, 2 और 2 भी आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज समेशन एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। दिस विल बी योर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइकलीहुड जिसका वो आंसर हमसे मांग रहा है। तो आप देख सकते हो कि आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देन करेक्ट, कैलकुलेट द एमएलई ऑफ फॉर म्यू यूजिंग योर आंसर इन पार्ट 1। अब पार्ट 1 वाले आंसर को यूज करके निकालें, या फिर आपको डायरेक्टली याद ही हो कि अगर नॉर्मल में म्यू हैट निकाला जाए एमएलई तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स बार, यानी जो डेटा मुझे दिया गया है इसका अगर मैं सैंपल एवरेज सैंपल मीन निकाल लूं तो वो मेरा क्या बनेगा, म्यू हैट बनेगा। तो एवरेज आप निकाल के देख सकते हो, तो 1,40,000 आपका आंसर निकल के आना चाहिए म्यू हैट का। देन कहता है कैलकुलेट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, तो क्योंकि सिग्मा आपको गिवन है तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फॉर्म बनेगा दैट इज एक्स बार प्लस माइनस 1.96 इनटू में सिग्मा बाय रूट एन। डायरेक्टली आप रिजल्ट यूज करके आंसर अपना निकाल सकते हो, वैल्यू सारी आपको दे दी गई है, आप उन्हें रिप्लेस करोगे और आप देखोगे आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1,294,81.54 से लेकर 1,505
518.46, दिस विल बी योर कॉन्फिडेंस इंटरवल। फिर कहता है एक और एक एनालिस्ट है जिसने नॉर्मल का प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया है आपको निकाल के, फॉर सच है प्रायर आपको पोस्टीरियर निकालोगे तो वो इस फॉर्म का आता है, उस डेरिवेशन में नहीं जाना है जहां पे टाउ नॉट की वैल्यू आपको दे दी गई है। फिर आप प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन से म्यू नॉट और सिग्मा नॉट स्क्वायर की वैल्यू भी आपको दे दी गई है। फिर राइट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग टू द डेंसिटी अबव दिस विद ऑल इट्स पैरामीटर वैल्यू। अगर आपके पास एक्चुअल टेबल आपको रिजल्ट याद हो तो नॉर्मल से नॉर्मल का रिजल्ट आपको डायरेक्टली टेबल में दिया गया था, उस रिजल्ट को यूज करके आप क्या कर सकते हो, म्यू भी निकाल सकते हो। भाई अल्टीमेटली ये फॉलो तो नॉर्मल ही करेगा, नॉर्मल के दो पैरामीटर्स एक मीन और एक क्या बनेगा उसका वेरियंस बनेगा। आप उस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करो, वैल्यूज आपको दे दी गई है, खाली उसमें ले जाके आपको क्या करना है रिप्लेस करना है। मैं आपका आंसर दे दे रहा हूं, आंसर जो आप मैच करोगे इसका आंसर, तो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसका मीन आएगा 142.166 और आपका जो वेरियंस आना चाहिए दैट इज 225600030। ये आंसर आपको देखने को मिलना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स के लिए। फिर कहता है कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रायर है वही उसी फैमिली को मेरा पोस्टीरियर बिलोंग करता है, सो दिस प्रायर कैन बी टर्म्ड एज कॉन्जुगेट प्रायर। तो दिस इज द रिलेशनशिप जो हम एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। फिर कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेयेसियन क्रेडिबिलिटी एस्टीमेट फॉर म्यू अंडर क्वाड्रेटिक लॉस। तो हमें पता है कि अंडर क्वाड्रेटिक लॉस क्या होता है, बेयेसियन एस्टीमेट इज सेम एज द मीन ऑफ पोस्टीरियर दैट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। सेवेंथ पार्ट में कहता है कैलकुलेट एंड अप्रोक्सीमेट 95% बेयेसियन इंटरवल फॉर म्यू बेस्ड ऑन इट्स प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेयेसियन इंटरवल निकालने का मतलब है कि एक्स बार की जगह पर तो आप ये वाला म्यू हैट यूज करोगे जो आपने सिक्स पार्ट में निकाला है, ठीक है, प्लस माइनस 1.96 ये भी एज इट इज रहेगा। द सिग्मा दैट वी विल बी यूजिंग इज नॉट द सिग्मा ऑफ योर ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिग्मा भी किसका आएगा, आपका पोस्टीरियर वाला सिग्मा आएगा। यानी आप क्या कर सकते हो, उसका अंडर रूट ले सकते हो, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्म मेरे इंटरवल का बनेगा। अब एन मेरे पास एक ही है, मेरे पास एक ही सैंपल वैल्यू है, तो आप चाहो तो इस एन को भी यहां से रिमूव कर सकते हो और इस फॉर्म को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे इवेल्युएट कर पाओगे। आप देखोगे आपका जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पे दैट इज 1328578 से लेकर 1514765, दिस विल बी योर आंसर। फिर कहता है कमेंट ऑन द इंटरवल्स एस्टिमेटेड इन पार्ट 3 और 7। अब उन दोनों इंटरवल्स के बेसिस पे मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। तो अपने क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो विड्थ ऑफ इंटरवल निकल के आता है, जो हमारा इस पार्ट में हमने इंटरवल निकाला है, इसकी जो विड्थ है वो क्या निकल के आई है, कम निकल के आई है। तो आप ये अपने समझते हैं कि जितना हमारा नैरो होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल उतना बेटर हमारा क्या होगा, प्रिसीजन लेवल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल के आया ये ज्यादा बेटर कॉन्फिडेंस इंटरवल है एज कम्पेयर टू जो हमने थर्ड पार्ट में निकाला है। ऑल्सो टू कैलकुलेट दिस इंटरवल हमने ज्यादा डेटा को यूज करा है, वी हैव कैप्चर्ड अवर प्रायर इन्फॉर्मेशन एज वेल, सो दिस हैज बेटर लेवल ऑफ एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू योर एस्टिमेट इन पार्ट नंबर 3। देन कहता है लास्ट पार्ट में द एनालिस्ट अज्यूम द यूनिफॉर्म प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर म्यू, जहां पर उसका मीन ये है और उसका वेरियंस ये है। आपने क्या करा है, यूनिफॉर्म को एज अ प्रायर लिया है। फिर कहता है आगे इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करो कि पोस्टीरियर के लिए ज्यादा बेटर एक्सप्रेशन कौन सा है। तो क्योंकि मेरा प्रायर यूनिफॉर्म है तो माई पोस्टीरियर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइकलीहुड ओनली, यानी जो फॉर्म बनेगा वो एग्जैक्टली किसके जैसा बनेगा, जो मेरे लाइकलीहुड का में फॉर्म बनता है। और लाइकलीहुड में अगर हम फॉर्म देखें खाली म्यू के बेसिस पर अगर हम बनाते हैं जाके, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो लाइकलीहुड होगा, अगर हम यहाँ पे बनाई दें कि दैट इज e रेस टू द पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, सिग्मा म्यू मेरा अननोन है इनटू कांस्टेंट, ऐसा लिखा जा सकता है, या फिर इसको ऐसा लिख दो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस में म्यू स्क्वायर माइनस में 2 म्यू समेशन एक्स आई, तो ये भी लिखा जा सकता है। अब इसमें से अगर मैं खाली म्यू वाली टर्म्स पे फोकस करूं तो ई रेस टू द पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर, ये एन टाइम्स म्यू स्क्वायर बनेगा, सॉरी, तो एन म्यू स्क्वायर माइनस में 2 म्यू
एन टाइम्स एक्स बार ऐसा भी लिखा जा सकता है, इनटू कांस्टेंट तो चल ही रहा है साथ में। तो आप क्या देखोगे, ये जो फॉर्म है आपका वो ऑप्शन नंबर बी से रिजेंबल करता है, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। तो इस पेपर में अगर हम ध्यान से देखें तो ज्यादा बेटर स्कोर वही बच्चा कर पाया होगा जिसका कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो पास एग्जाम से ज्यादा रिजेंबल करते हुए नहीं थे, बट अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग थे तो पेपर हमें ठीक दिखाई दिया होगा। अदरवाइज इनके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ रही होगी, उन बच्चों को डेफिनेटली पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दिया होगा। बट अभी आप एक आइडिया ले सकते हो अपना पेपर देख के, आपके पास ऑलरेडी आपकी स्क्रिप्ट होगी कि कितने मार्क्स आप एकदम मिनिमम मार्क्स अपने लेके चलना कि कितने मार्क्स आप इसके अंदर क्या कर पा रहे हो, स्कोर कर पा रहे हो। दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया कि किस तरह का आपका अटेम्प्ट ये रहा है। थैंक यू।